गोजागृति प्रायः मेरा ख्याल से वो पहले हमारा इस जगह पर राघवेश्वर भारती तीर्थ स्वामी जी से हुआ, बहुत बहुत अच्छा तरीके से, बहुत जानकारी से, जानकारी को वो लेकर स्टार्ट किया। और जो स्वामी जी के मठ में जो जो गाय है सभी वो हाइब्रिड ऐसा नहीं है, वो देसी गाय सभी वो देखता है, और उसका पालन और उसका यूज़ क्या है, हम क्यों उसको पालन करना है, ये सभी विषय में उसका बहुत अच्छा जानकारी है। और मीनवाइल उसके साथ साथ जो अनुष्ठान क्रम है उस स्वामी जी का, वो भी बहुत सब लोग देख के फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा ये एनवायरनमेंट वो क्रिएट किया है। सो गोकर्णा में नया विद्यापीठ भी विष्णुगुप्ता नाम के साथ हुआ है, बहुत परिश्रम है, स्वामी जी दिन भर उसके पीछे और अध्ययन के पीछे रहते हैं। आप अवश्य सुना होगा रामायण और सभी कथा, उतना अच्छा जानकारी उसके प्रवचन में, स्वामी जी का प्रवचन में रहेगा। तो हम बहुत अभिनंदन करते हैं, तो उसका जो जो भी विष्णु गुप्त नाम का जो विद्यापीठ है उसका कार्यक्रम का, और उसका स्वामी जी का जो रेगुलर अनुष्ठान है उस सब वो सब विषय को वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उस सब में करके इधर कार्यक्रम में आया है। और हम साथ साथ फिर भी आज के नंतर भी हम साथ साथ रह के कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा समाज में हम सब लोग मिल के जाएंगे तो डेफिनेटली विश्वगुरु होगा, हमारा देश विश्वगुरु होगा।